अरे हाँ जी भैया, मुझे लग रहा है जी भैया इतने जिंजर से सेटिस्फाइड नहीं हो। ये होता है जुगाड़। ये देखो जी भाई साहब ने क्या सीन है, हम थोड़ा चेंज ऑफ प्लान हो गया। क्यों हो गया? इतना लेट हो गया कि यहीं से ही सीधा खड़ी चढ़ाई 4:30 दादा ताकि हम यहाँ से शुरू होती है असली चढ़ाई। भगवान देख रहा है जो जितना भारी सामान उठा के लाएगा ना उसको भगवान का आशीर्वाद मिले। ये सारा सामान चक रहा खाने पीने को, उसको खिला ही नहीं रहे। What is this? कैसा लगा आप लोगों? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। भाई साहब 15 साल बाद आ रहे सारे नंगे आदमी यहाँ बैठ चुके। ये तेरा स्टाइल बहुत अच्छा लगा भाई मुझे, बहुत ही ज्यादा अच्छा। अरे कोई नहीं, चलो चले यार भाई जी। फाइनली गाइस वी आर हियर। आराम प्रस्त जिंदगी। सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा। इसका देखो, इसकी बनियान पीछे से देखो, ये देखो आगे। इसे इसको तो बनियान क्या व्यू आ रहा है, धूप और वही ना भाई, क्या बात है भाई, बढ़िया है जी रूम। मॉर्निंग उठ चुके हैं हम। क्या हुआ गाइस, टाइम व्हाट इज द टाइम? व्हाट इज द टाइम? 7:45। तो गाइस सुबह के बज चुके 7:45। अबे मेरे हो चुके सुबह, क्या बढ़िया नींद आई। बस गर्मी लग रही थी, वही भयंकर गर्मी लग रही थी रात में। मैं तो सारे कपड़े खोल लिए थे। अरे भाई आराम से शराबी हेलो, मेरे सूज की तरह मेरे सूज भी दे रहे। हमारे भाई लोग उठ गए थे हमारे से पहले और इन्होंने कर दिया जिंजर टी की तैयारी। जिंजर टी की तो क्या, जिंजर वाटर की तैयारी। अरे हाँ जी भैया, कहाँ बनाए हो? हम अदरक वाला टीवा बनाए हैं। टीवा अच्छा पानी, लेकिन मेरे को लग रहा है इतने जिंजर से सेटिस्फाइड नहीं हो। I am fully satisfied. अदरक भी देना है ना खाने के लिए। आप नहीं खाते ना? खाते जी खाते हैं, ऐसे तो अच्छा लगता है, बीच बीच में खा लेते हैं, ऐसा नहीं है। रोल नंबर 1 आ गया जी, प्रेजेंट सर। रोल नंबर 2 जिंजर वाटर विद द व्यू। वाह रेडी बेटा, सबसे पहले ना स्लीपिंग बैग निकाल, स्लीपिंग बैग करते हैं पहले। तू मेरा दे, मेरा क्योंकि कवर भी पीछे बढ़। क्या भाई जी कॉफ़ी पहले खा लेते हैं, पहले खा लेते हैं। चल आ फिर डीडी, बंद कर ले, रहन दे। हाँ खा लेते हैं, एनर्जी आ जाएगी थोड़ी। हाँ इसको बंद कर ले बेटा, 8 बज गया, 8 से ज़्यादा हो गया। 9 बजे हाँ वो पहले कॉफ़ी। हाँ भाई जी चलाओ, मैं तब तक कोई नहीं दूध ले आते हैं। सुन ले आऊंगे। हाँ चल मैं और तू दूध, दूध भी लाना, बिन बैग भी लाना और साथ में कॉफी चीनी भी चाहिए। आई नहीं रही भाई हंसी, अभी धुआं जा रहा है ना मुंह में, अभी हंसी का भी नामो निशान नहीं कर रहे होगे, बिल्कुल चुप बैठे। थोड़ा स्टेटमेंट आने वाली थी अभी, रुक गई। ये होता है जुगाड़। ये देखो जी भाई साहब ने, हमने करने थे परांठे गरम, भाई साहब ने लगाया ऊपर फॉइल। डायरेक्ट रखेंगे तो आग की बात आएगी, कई चीजें होगी तो हम मम्मी चाहिए नहीं, नहीं चाहिए। देखो राज की राजमा अपने पास बची। बाकी थैंक यू टू सीमा मम्मी, उन्होंने इतना स्वाद खाना भेजा था भाई, दाल चावल साथ में रोटियां। रात को भाई आनंद आ गया, दिन भर एक तो हमने खाना कुछ नहीं खाया था, बट रात को जब वो खाया ना संतुष्टि हो गई थी भाई। और सुबह के लिए भेजे थे उन्होंने हमें परांठे, तो इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सीमा मम्मी। और रात की दाल भी बची है तो इसके साथ खाएंगे हमें परांठे, तो अभी भी तृप्ति होने वाली है हमें, पूरी एनर्जी के साथ फिर हम निकलेंगे ट्रैक करने। क्यों गाइस? बिल्कुल बिल्कुल है ना। भाई जी गाय बैल, बैल ये बैल भाई जी के पास जाके खड़ा हो गया कि कुछ ना कुछ देगे खाने के लिए। ये आ गया तेरे पास, आ गया। तो भाई फाइनली फाइनली जाके हम रेडी हो चुके सारे के सारे। ये हमने सारा बैग सारे सामान रख लिया हमने अंदर, सारा का सारा गाड़ी में कर दिया हमने पैक। तो अभी का क्या सीन है, हम थोड़ा चेंज ऑफ प्लान हो गया। क्यों हो गया? हमने सोचा कि यार देखो वडहा जाने से अच्छा क्यों ना यहीं से ऊपर शुरुआत की जाए चढ़ाई की।
आपको वैसे भी हमने मंडा वाला रास्ता तो दिखाया, क्यों ना ये वाला रास्ता भी दिखाया जाए। तो बेसिकली ये प्लान हमारे को इसलिए आया क्योंकि देखो यार, अगर हम पहले मढ़ा जाते एक दो घंटा वहाँ के लिए लग जाता, फिर उससे ऊपर चढ़ने के लिए फिर दो तीन घंटे और लग जाते। इस अच्छा हमने सोचा क्यों ना यहाँ से डायरेक्ट ऊपर चढ़ा जाए, जब तक वहाँ पहुँचेंगे मढ़ा तो ऑलमोस्ट गुज्जर के कोठे तक हम पहुँचने ही वाले हो गए। मैंने लिया एक छोटा सा बैग, पहले मैं बड़ा बैग किया था उसमें सारे कपड़े कुपड़े थे, फिर मैंने भाई जी बोला यार अपना ना कैंपिंग बैग चख लो, इसमें दोनों अपना सामान डाल देते हैं, बाकी मैं इसमें अपने इक्विपमेंट्स ले चलता हूँ। एक्सचेंज करते करते इसको ले चले गए ऊपर की तरफ। हाँ जी काला बाग क्यों, भी गुज्जर का कोठा काफी जगह है। ये वाली पूरी सड़क दिखाएंगे आपको, रेस्टो में से ऊपर ही लेंगे। हाँ गुजर का कोठा, हाँ एक डंडा मिल जाएगा, अच्छा है डंडा, देख ले कहीं है यहाँ देखो, अभी जंगल में काफी मिल जाएगी, टेंशन ना ले। ये है हमारा सामान, ये देखो ये है भाई जी का बैग, भाई जी और मेरा बैग बेसिकली, ये है दिव्यम का बैग, ये है मनित का बैग। तो हमारा ट्रैक शुरू हो चुका है, सोचा था मंडा होते जाएंगे पर अब इतना लेट हो गया कि यहीं से ही सीधा खड़ी चढ़ाई चढ़ेंगे। आज से पहले हमने शायद ये शूट करके नहीं दिखाया, 11:15 हुए हाँ। तो देखते हैं कितने कितने टाइम पे कहाँ कहाँ पहुँचते हैं। एस्टिमेट लगा तो 2 बजे तक ऊपर गुजर के, 11:15 है ना, 11:12 डेढ़ से 2 के बीच हाँ। अभी हमें क्या करना है, नॉन स्टॉप चलना है धीरे धीरे कदम से हाँ। फास्ट कोई नहीं भागेगा। चार बजे तक ठीक हाँ। है जैसे अभी अगर 1:30-2 बजे तक हम वहाँ पहुँचते आधे घंटे का रेस्ट हाँ, आधे 1-1.5 घंटे में वहाँ से ऊपर ठीक है काला बाग पहुँच जाने चाहिए, 4:30 ज़्यादा मैक्स हाँ, ताकि हम 5:30 तक वहाँ इंजॉय कर सकें हाँ। फिर थोड़ा शाम के टाइम है मंदिर की तरफ। बस यहाँ से शुरू होता है असली असेंड, यहाँ से शुरू होती है असली चढ़ाई जो ऑलमोस्ट 2.5 से 3 किलोमीटर की है और डायरेक्ट निकलेगी गुज्जर के कोठे। तो गाइस पहला हॉल्ट ले लिया गया है, हम इसलिए रुके क्योंकि धूप लगी है बहुत ही प्यारी धूप और हमें थोड़ी स्वेटिंग हो गई थी, हमने सोचा सुखा लेते हैं अपने को क्योंकि जितना सूखे रहेंगे हम और ठंड भी कम लगेगी। यहाँ बैठ के अपने भाई लोग सारे, डीडी बेचारा थोड़ा मेहनत कर रहा है, इसको संघर्ष लग रहा है थोड़ा, मन्नी भाई हमारे जो ब्रेन ऑफ सराह है ये फ्रेश है बिल्कुल बिल्कुल, स्पीड मेंटेन करके चले भाई जी के साथ, ये इसलिए चले क्योंकि जब हम शॉट्स लेने की बारी आती थी गाइस इन्होंने स्पेशली एक तो चश्मे डाले और ऊपर से आगे चले ताकि इनके स्टेप सबसे पहले दिखे। अब मैं एडिटर हूँ ठीक है, मैं काट भी सकता हूँ और हमारे ब्रेन ऑफ दिशा शॉट्स ले रहे हैं, हमारे ब्रेन ऑफ गोक गो गो भाई जी की आज एनर्जी मुझे काफी ज्यादा लो लग रही है, पता नहीं क्यों आज इनको लग रहा है अच्छा ओके okay. सबसे बड़े तो इनके कंधों पे भार बनता है भाई, क्या बात है ये हुई बात। देखो ये देखियो आज ये ना मंदिर तक चक्के जाएंगे, इनकी इनकी जो आस्था है ना इनके अंदर, ये तो है ही हाँ। भगवान देख रहे हैं जो जितना भारी सामान उठा के लाएगा ना उसको भगवान का आशीर्वाद मिले, उतनी आस्था है बंदे की देख लो, मान गए हम बात ये खेल गया इसमें, ये खेल गया नहीं मेरे पास 3 सामान वैसे छोटा बैग है बेशक बट हाथ में खाने पीने का सामान, साथ में इतना बड़ा मोनोपॉड जो 4 से 5 किलो का वैसे ही है। हमारे पास 2 रास्ते आ जाते हैं, एक जो प्रॉपर रास्ता बना हुआ है ये मगर एक घूम घूम के आता है और जो ये रास्ता है शॉर्टकट बेसिकली। सेब लाए हम, कुछ नहीं लाए, लाए है तो ऊपर खाएगा हम, चलो ये ठीक है जो देने वाला है उसको खिलाएगा ही तू, अब जो इतने मेहनत के साथ ये सारा सामान चकरा खाने पीने का उसको खिला ही नहीं रहे, व्हाट इज दिस और जौन सा देना दे दो, साइज और कुछ है भाई सेब का, मेरे उसका सेब तो नहीं गई ये अलग है बट भाई हमारे गोल्डन भी तो नहीं थे इस बारी साइज में, इतने छोटू छोटू यार बोलो क्यों साइज ही नहीं बढ़ा इस बार, ये वाला गोल्डन ये चाइनीज गोल्डन होता है उसके इतना मोटा,
उसका तो टेस्ट भी अलग होता है भाई, अलग खटास होती है उसमें। हमारा फेवरेट स्पॉट यहाँ देखो, व्लॉगिंग से पहले जब भी हम इस रास्ते से जाते थे तो एक हॉट यहाँ होता था, ये एक टाइम दो टाइम तो इतनी बारिश थी कहीं रुकना पड़ा। हाँ सही बात है। और सबसे अच्छा फायदा देखो इसका क्या, ऊपर पत्थर का शेल्टर आ जाता है बढ़िया, वहाँ पीछे जाके बैठ जाओ, ठंड भी नहीं लगती है, हवा भी नहीं चलती है, आराम से मजा आनी लाइफ। दे ब्लडी लेजी पीपल एंड वी आर द वाइल्ड वंस। हम ले रहे हैं शॉर्टकट रास्ता, ये जा रहे हैं मेन रास्ते से जो घूम फिर के आते हैं। ये साइड से मनी बेटा, ज़्यादा वाइल्ड भी नहीं। कहाँ से आप लोग? आप क्या बात, हम तो यहीं की। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हम शूट करते हैं ना वो यूट्यूब पे है। हाँ जी हाँ, आ रहा है यूट्यूब पे, आता है इसका पूरा, वो जो एक रुपया गिरता है ना यूट्यूब पे, बंद कर थोड़ा ये छोटा सा रास्ता पहले बना है। हाँ जी हाँ जी। तो आप लोग पहले भी आए हो? फर्स्ट टाइम। कैसा लगा आप लोगों? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पॉइंट, बहुत अच्छा जगह, और भी गया जैसे मणिमहेश गए कहीं और, ये अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा। हाँ बहुत मणिमहेश गए, वो ही मणिमहेश की तरह। अभी जैसे ऊपर चढ़ते हुए आपको जो थकान हुई होगी ना, जैसे आप नीचे उतरोगे ना सारी खत्म हो जाएगी। जगह से ना उस रास्ते से जाते ना, उससे आए थे कलम ना। अच्छा सोमवार की तो आज मेन तमन्ना थी कि ऊपर जाने की, तो मैं मत्था टेक लूं, शाम को ब्याह में गए थे पर मेन आज ही थी। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय भोले, जय भोले, जय भोले, जोश जोश, हर्ष जोश, हर्ष गुड। याद है आप लोगों को डीडी को हम पहली बार तब लाए थे जब इसके बाल कटवाने थे, कितने साल का था तू उस टाइम? एक साल का, सोचो अब कितने साल गए? भाई साहब 15 साल बाद आ रहे, ऑलमोस्ट 15 इयर्स मनीत तो भी है ना, सारी गेम बुलावे पे है ना यार। I was 6 years old, अब मैं 21 ऑलमोस्ट है ना। 15 साल बाद तुम लोगों को कैसा लग रहा है? हाँ वही, मतलब उस टाइम तो क्या ही याद होगा, ये पहली साल की मेमोरी बनी। हाँ वही आज जो बन गया, मेरे को तो याद है, मेरे मैंने वाइट सी पेंट पहनी थी और मैंने गोबर लग गया था, मुझे याद है बारिशों का टाइम था उस टाइम, अल्लाह पाक से दादाजी भी थे। हाँ ठेकेदार दादा, सही बात है, वो आए थे क्योंकि मुंडे ने और उनने दिव्यम की इच्छा भी की। आ, क्या बात है, इतनी बूढ़े इतने एज में। हाँ 80 कुछ ईयर्स तो हो गए उस टाइम, 84 की एज में। भाई साहब भाई साहब, ये हो गया है हमारा सेकंड ब्रेक, हमने स्पेशली वो जगह ढूंढी है जहाँ हमें ये लगा कि धूप है अच्छी खासी, हम अपने आप को सुखा सकते हैं अच्छे से। चढ़ाई में ना जैसे आपने बैग पहना है तो उससे क्या होता है, जो बॉडी हीट है और वो ट्रैप हो जाती है, उससे स्वेटिंग होती है, तो आप पीछे से गीले हो जाते हो सारे इधर से। वो क्या होता है, जैसे जैसे जंगल में अंदर जा रहे हैं ना, अगर गीले रहोगे ठंड लगेगी, तो साथ साथ में आपको सुखाना भी है। सही बात है। फिर गुज्जर की कोठी पे तो हम लोग वो पूरा सुखाते हैं ना अच्छे से, सारे कपड़े खोल। और ये हमारी चॉकलेट बहुत ज्यादा भाई, एलमंड्स भी है, चॉकलेट तो है ही। आधा घंटा मैक्स नहीं, गुड़ सही में पहाड़ में जब तो तुम हाई ऑल्टीट्यूड में जाओ, गुड़ खाना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक दो डल्ले भी भाई, 1 किलो नहीं यार, वो पैक्ड है भाई जी वैसा ही। एक्चुअली पापा गुड़ वो पूरा पैक्ड है और उसमें 5-6 डल्ले मतलब 5-6 पीसेस है बड़े बड़े, तो बोलते इतना सारा खेला है, मैं कहा जी पैक है क्या करूँ पूरा। ये देख सकते हो आप सारे नंगे आदमी यहाँ बैठ चुके हैं, सबने अपने कपड़े खोल के सुखाने के लिए लगा दिए, और एक और नंग पड़ी आदमी देखना
मैं ऐसे ही हूँ, मैंने सोचा ऐसे ही सूखने देते, कोई नहीं। नंगा दिख गया, दिख गया, दिख गया, नंगा दिख गया, एक ये पीछे भी दिख गया एक नंगा, ये शाउट आउट टू नंगा बॉयज। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपना गुजर के कोठे, और यहाँ हमने की है चाय ऑर्डर, साथ में किए कुछ पकौड़े ऑर्डर, यहाँ बेसन है भाई जी। बस किलो बता दो क्या रेट, 250 रुपए किलो ये अपना पकौड़े भाई साहब, 250 रुपए किलो। लगा लोग आने लग गए, बंदों ने फटाफट कपड़े पा दिए, देखना देखो। चलो ये तो तब भी ठीक है, और ये आ गए हैं अपने चाय और पकौड़ा और साथ में बेसन, बढ़िया शानदार कॉम्बिनेशन, और सब मजे उठा रहे है ना, एनर्जी आ जाएगी, अच्छी बात है, वरना भाई बैंड बज गया। ईडी तेरा स्टाइल बहुत अच्छा लगा भाई मुझे, बहुत ही ज्यादा अच्छा। लक्स कोजी भी दिख रहा था पीछे, अपना लक्स पहन के चलो। ऐसा करते सुन, पीछे मुड़ियो, पीछे के बटन लगा के ना वैसे ही चल फिर तू ऊपर, चलेगा? हाँ, इंस्टेड ऑफ आगे से। कूल बॉय भाई, शॉर्ट लग रही है पूरी। यो ब्रो सही बात है, सोच ट्रेंड सेटर, ये तो कुछ ज्यादा ही वो हो गए भाई जी, बॉडी शो हो जाए एक बारी थोड़ा यार, ये भाई जी सोचा कपड़े पहन लेता फटाफट। चलो जी चलो चलो, वो अच्छा ऐसे आएगा बिग शो की तरह दिखाइयो। हमारा दोस्त हमारे साथ रेडी है जाने, थोड़े बहुत पकौड़े खेले ना, तो भी रेडी हो गया हमारे साथ चलने के लिए। उस साइड को देख लो, काले काले बादल आ रहे और गरज रहे भाई, और यहाँ बादल कर। हाँ जी, अरे कोई नहीं, चलो चल यार भाई जी, मैं फिर थोड़ी रेस्ट करेगा, निकाला कंफर्टेबल हो गया था भाई जी, इतना चालू है, मेरे को याद ही नहीं था, ये छोटू था, भूल गया थे। अब इसके बाद इसका पता चले, थोड़ा पेन स्ट्रगल, मैं बड़े आराम से चलता, मैं हाय बच गया। मगर इनको याद आ गया एट द एंड, जब बाहर बाहर फील हुआ है ना, यार पता नहीं क्या अजीब लग रहा है। है? क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, सांप का पता नहीं भाई, हो सकता है सर्दियों में, वैसे भी वो हाइबरनेशन पे चले जाते हैं। ये सब नॉन स्टॉप गुज्जर के कोठे से काला बाग, सही बात है, विदाउट एनी होल्ड एक घंटे में पहुंच गए हम ऊपर पूरा, हो सकता है पूछते टाइम। फाइनली गाइज वी आर हेयर एट काला बाग, और चूड़धार की चोटी पे है बादल ही बादल, खतरनाक ही बादल भाई। दैट्स सो क्रेजी भाई, फाइनली यहाँ आके मिलता है रिलीफ। टाइम मुझे नहीं पता क्या बात आता है, आधा क्या, अब तो आधे घंटे का सफर है भाई साहब, हम सिर्फ 45 मिनट में पहुँच गए ऊपर गुज्जर के कोठे से, 2:30 पूरे नहीं हुए थे, रिकॉर्ड अभी तक का, वरना हम टाइम लग जाता था हमें 1 से 1.5 घंटा। क्या बात है, सही बात है। तो लोग इस बारी हम कैंपिंग करेंगे, नहीं कैंपिंग का सामान वैसे आपको पता ही लग गया, हमने कुछ कह रही नहीं गया कैंपिंग इस बारी, बस नीचे हालता जुब्बड़ होगी, यहाँ कोई कैंपिंग नहीं भाई, क्योंकि दो बारी हमने एक्सपीरियंस कर लिया, इतने भारी बैग चक्के हम नहीं ला सकते। सेकेंड ऑफ ऑल हमारे साथ दो नए कैंडिडेट जुड़े जिनका अभी पहला टाइम है, तो हम इनको एकदम एक्सट्रीम नहीं करवाना चाहते, कहीं बीमार हो गए तो ट्रिप ख़राब हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं, तो इसलिए पूरे सेफ्टी के साथ इस बारी जाएंगे हम बिल्कुल मंदिर के पास, सराव में रुकेंगे वेट करने के बाद। हाँ अभी तो और मज़ा आएगा, अभी सिर्फ 3 बजे ठंडी हवा, 2-2.5 घंटा अपने पास, अरे क्या बात, रिलैक्स ourselves, कपड़े सुखा दो फिर से, सही बात, फिर से ये एक और हॉल्ट होता है, सेकंड बड़ा मेजर हॉल्ट होता है, वो तो अच्छा है हमने जल्दी कवर कर लिया, वो हमारी है ना यार, थी, हमने कहीं पे भी हॉल्ट नहीं। सब सच बताऊं ये मेरे को ज्यादा कंफर्टेबल लगा एज कम्पेयर टू ये, इसने ना मेरे कंधे तक आ दिए थे, एक साइड पैकेट एक साइड ये मोनोपॉड, जैसे पहले ये चका ना, अब ये चका आपके ज्यादा। आराम प्रस्त जिंदगी, जूस पीवानू कैरम खेलवानू जो भी होता है, मजा नहीं लाइफ।
मत जानी लाइफ डॉगी। इसके इतने सख्त बाल है भाई हमारे दोस्त के, इसने अभी हमें डरा दिया। पीछे लेटा हुआ था आराम से, एक बैल हमारे नजदीक आ रहा था, भाव कर गया एकदम से, मनित मेरे ऊपर चढ़ गया। यार क्या यार, व्हाट इज दिस मनित, यू डोंट हैव टू बी अफ्रेड, फियर इज योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, है ना। वो ये भूल जाता है बीच बीच में, वो सराम में आता अभी अपने ज्ञान का खत्म हो गया भाई, मजा आ रहा है। जो हमने पौने घंटे में ट्रैक खत्म कर दिया ना यहाँ तक का, अब 2 घंटे का आराम से रेस्ट करेगा। सामने पीक लग रही है भाई, ओहो हो, उसके ऊपर बादल देखो भाई, भयंकर। ये तो अच्छी बात है भाई, बादल क्लियर होते जा रहे हैं यहाँ। अगर बादल इकट्ठे हो गए ना, काले बादल, ओहो हो, डायरेक्ट बर्फ का। ओ भाई कौवे कितने नजदीक से गए यार, क्रेजी भाई। शुरू मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस कि वो हमसे थोड़ा उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की अपने इसका देखो, इसकी बनियान पीछे से देखो, ये देखो आगे से भी देख लो, इसको तो बनियान पहननी नहीं आ रही भाई। कमॉन कमॉन बेटा, गुड बॉय। ओ भाई साहब, यहाँ देखो क्या क्रेजी हुआ हुआ है यार, रुक जा तेरे पास आता हूँ, है ना। बट क्रेजी देख कितना लग रहा है सामने यार। भाई साहब फाइनली हम निकल चुके हैं वहाँ से कालाबाग से, क्योंकि धूप छिप गई थी, 5 ऑलरेडी बच चुके हैं। अभी हमने किससे मिलना भी है जो हमारे को रूम प्रोवाइड करेंगे, फिर कंबल वगैरह लेने हैं, कपड़े चेंज करने, तो एक बार सब सेट हो जाएगा उसके बाद देखते हैं। ओ भाई साहब क्या व्यू आ रहा है, वही ना भाई, बट कितना सही लग रहा है यार। आप लोग भी बताना भाई कमेंट सेक्शन में कैसा लग रहा है, मुझे तो भाई एक नंबर। तो देखो बात है ऐसी कि यार नरवीर पापा ने रूम करवाया था यहाँ बुक, मगर जिस बंदे को उन्होंने बोला था ना, वो बंदा सुबह ही अभी दिन जैसे को अपने गांव निकल गए, तो हम उनको ढूंढ रहे थे, वो हमें मिले ना, हम परेशान हो गए, मैं करे तो करेगा, फिर हम मरे परे देखने लग गए। फिर मुझे याद है 2-3 साल पहले मैं और मेरा भाई आए थे, क्या बोलते, चूड़धान, मम्मी पापा के साथ, तब हमारे को प्रताप अंकल ने करवाया था रूम, वो भी किसको बोलकर, बाबू राम जी को बोलकर, तो मैं उनको ही ढूंढ रहा था। बड़ी मुश्किल से बाबू राम जी यहाँ नीचे मिले, उनको बोल रखा था कि हाँ रूम करवाना है, तो रूम हो चुका है गाइस फाइनली। बस अभी हमें पता नहीं है कहाँ है वो रूम। रूम चलते हैं, सामान सामान रखते हैं, कपड़े चेंज करते हैं सबसे पहले, क्योंकि स्वेटिंग इतनी ज़्यादा हुई है ना भाई, क्या बताऊँ, ठंड लग रही है अब लिटरली। अच्छा यहीं से परे अच्छा कैंटीन है साथ में, अच्छा क्योंकि पिछली साल आया था ना मैं, तो इसी किसी में रुका था मैं, मुझे याद है। क्या बात है भाई जी, बढ़िया है जी रूम। अरे भाई जी बढ़िया, बस इसका वो नहीं चलता भाई जी, क्या बोलते, बाथरूम नहीं है वर्किंग, नहीं है भाई जी, इसमें तो ये लगना ना था। ठीक है, आपके लिए रजाई है, ठीक है भाई, ठीक है भाई जी। और ये बेड पर था ना भाई जी, दूसरा तो कुछ नहीं है। अरे नहीं बढ़िया, चलो कोई नहीं, अरे ना ऊपर ऑफिस है, बोल देना फिर ऐसी प्रॉब्लम हो ना कुछ ना, कोई नहीं कोई नहीं। कैसा है जी रूम, बहुत बढ़िया जी,
बहुत बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया तुम्हें, साथ में रजाई कंबल भी मिले, यहाँ बैठे रहो भाई जी, फुल फील है भाई। कहाँ? हाँ ये तो मन्नी और भाई जी तो यहीं सोएगी, मैं और तू है। हाँ और क्या, तो भाई साहब ये है अपना रूम, थोड़ा साइड में आके बट सही है भाई, देखो प्रॉपर बेड है, बेडिंग है, साथ में एक्स्ट्रा बेडिंग भी है, नीचे गद्दे भी लगे, ज्यादा बंदे भी है, तो फुल सेटिंग का काम है भाई। सही बात है। खाने का भाई जी भंडारा 8 बजे शुरू है, बाकी आप कैंटीन से भी खा सकते हो खाना चाहो। कैसा खाना है? भंडारा खाना है। देख लो ठीक होता है, कैंटीन का मैंने खाया ना तो ठीक होता है, ये जो सबसे पहली है। सर हम ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाए जब हम यहाँ पहुँचे, क्योंकि पहले तो हम कमरा ढूंढने में लग गए थे, तो उसमें टाइम लग गया, फिर आए सेटल इन हुए, कपड़े कपड़े चेंज किए, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स किया, फिर खाना खाने गए, फिर थोड़ी अक्षय भाई की तबीयत खराब हो गई, उनके हल्के हल्के हेडेक है, तो उस करके भी हमने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। वो है कि हम पत्ते खेल रहे थे कुछ टाइम पहले, उस टाइम मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि उस टाइम फ़ोन चार्जिंग पे रहा, और आपको पता है ठंड में चार्जिंग एकदम से खत्म हो जाती है, तो उसका हम पूरा ध्यान रख रहे हैं, सारे इक्विपमेंट्स अभी चार्ज करूँ। तो बाकी इसी के साथ टाइम हो गया अराउंड 10, अब सोचा इसी के साथ करते स्लो को यहीं पर एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और जाने से पहले बेल घंटी जरूर दबाएं, ये डीडी को याद रखें। तो गाइस मिलते हैं आपको बहुत जल्द एक नए व्लॉग में, कल भी कुछ एक्साइटिंग होने वाला, तो बने रहना, तब तक लिए बाय बाय।